आपने जानना चाहा है कि क्या महत्वाकांक्षी होना गलत है वास्तव में हमारी शिक्षा संस्कृति धर्म और समाज ने हमें इस तरह संस्कारित कर दिया है कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति ही इस जीवन में आनंदित हो सकता है महत्वाकांक्षी व्यक्ति ही इस जीवन में तृप्ति के अनुभव को उपलब्ध हो सकता है जबकि मैं अंतर हृदय से आपसे कहना चाहता हूं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और न भविष्य में ऐसा कभी होगा महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा जहर है जो मनुष्य को मरने के पहले ही मारना शुरू कर देती है लेकिन नासमझी की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है हमारे समाज में कि इस सत्य को कितना भी समझाने की चेष्टा की जाए कोई इसे समझने को तैयार नहीं है और मैं कहना चाहता हूं यही सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य के जीवन में उसके दुखों का अंत कभी नहीं हो पाता है कोई भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति आज तक आनंदपूर्ण नहीं हो सका है इसके विपरीत हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति का जीवन अत्यंत दुखों से भरा होता है दुख चिंता तनाव महत्वाकांक्षी व्यक्ति के जीवन के अनिवार्य अंग बन जाते हैं इसके बावजूद हर व्यक्ति अपने बच्चों को महत्वाकांक्षी होने की शिक्षा देता चला जाता है हर माँ बाप बच्चे को यही सिखाते हैं प्रथम आना है टॉप करना है तभी जिंदगी में सफल हो सकते हो लेकिन आज तक मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो टॉप पर भी हो और उसके साथ साथ उसके जीवन में खुशहाली भी हो उसके जीवन में निश्चित रूप से चिंता तनाव अशांति और तरह तरह के दुख भरे होते हैं आप यह जानकर हैरान होंगे कि विश्व विजेता बनकर भी अलेक्जेंडर द ग्रेट खुशहाल नहीं हो सका था वो दुनिया के सर्वाधिक दुखी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था डायोजनी जैसे नंगे फकीर के चेहरे पर आनंद की अद्भुत आभा देखकर उसके प्राणों में ईर्ष्या पैदा हो गई थी और उसने डायोजनीज के सामने ही प्रायश्चित करते हुए कहा था कि अगर मुझे अगला जन्म मिलेगा तो मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि मुझे अगले जन्म में सिकंदर बनकर नहीं आना है सम्राट बनकर नहीं आना है मैं अगले जन्म में डायोजनीज जैसा फकीर बनकर आना चाहूंगा अलेक्जेंडर की इन बातों को सुनकर डायोजनीज ठहाके लगाकर हंसता है और कहता है कितनी बेवकूफी और कितनी नासमझी की बात है अलेक्जेंडर अगर तू डायोजनीज होना चाहता है अगले जन्म की प्रतीक्षा क्या करनी अगले जन्म का क्या ठिकाना मनुष्य के जीवन का अगला क्षण ही निश्चित नहीं है और तू अगले जन्म की बात करता है अगर तू डायोजनीज होना चाहता है तो अपने कपड़े उतार और तुरंत नदी में फेंक दे अभी का अभी डायोजनीज हुआ जाता है अभी इसी क्षण डायोजनीज होने का अवसर है इस नदी के तट पर जहाँ मैं रहता हूँ बगल में बहुत जगह खाली है यहाँ हम दोनों के लिए पूरा इंतजाम हो सकता है आजा और तू यहीं मेरी बगल अभी लेट जा और इस अद्भुत सूरज की धूप का आनंद ले और मैं अभी यही इसी क्षण तुम्हें डायोजनीज़ होने का अवसर उपलब्ध करा देता हूं लेकिन आप हैरान होंगे मित्रों अलेक्जेंडर डायोजनीज के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सका उसने कहा क्षमा चाहता हूं अभी तो मुझे विश्व विजय करनी है पहले विश्व विजय कर लेनी है उसके बाद कुछ सोचूंगा डायोजनीज ने एक ही बात पूछी विजय कर लेने के बाद विजेता बन जाने के बाद तू क्या करना चाहेगा उसने कहा फिर तो मैं सिर्फ विश्राम करूंगा डायोजनीज ने कहा ना समझ विश्राम करने के लिए इतना बड़ा उपद्रव करने की क्या जरूरत है वो तो मैं अभी ही कर रहा हूं और तेरे लिए भी अवसर है तू अभी ही विश्राम की उस अवस्था को उपलब्ध हो सकता है लेकिन अलेक्जेंडर इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सका उसने कहा मुझे तो विश्व विजेता बनना ही है डायोजनीज ने फिर कहा अलेक्जेंडर सोच ले आज तक इस जगत में किसी का साम्राज्य पूरा नहीं हुआ किसी को पूरी तृप्ति जीवन में नहीं मिली इसलिए साम्राज्य को पूरा करने में और पूर्ण तृप्ति प्राप्त करने की चेष्टा में कहां पागल हुआ जाता है तू अंत में यही हुआ इसके पहले कि सिकंदर का साम्राज्य पूरा होता सिकंदर को भी मरना पड़ा था और इसीलिए विजेता होने के बावजूद भी सिकंदर मरते समय अत्यंत दुखी व्यक्ति के रूप में जीवन छोड़ता है और उसने अपने जीवन में महत्वाकांक्षा की सारी निरर्थकता को स्वीकार करते हुए कहा मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटका देना ताकि सारी दुनिया इस संदेश को इस सत्य को स्वीकार कर सके कि सिकंदर जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति विश्व विजेता होकर भी खाली हाथ मरा था खाली हाथ मरा था खाली हाथ मरा था अमेरिका का सबसे बड़ा धनपति एंड्रयू कार्नेगी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में डेथ बेड पर मृत्यु सैया पर था उस समय पत्रकारों ने उससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा उन्होंने कहा आप एक गरीब किसान के घर पैदा हुए और आप अमेरिका के सबसे बड़े धनपति के रूप में संसार छोड़ रहे हैं इस समय संसार छोड़ते समय आपको कैसा अनुभव हो रहा है आप इस समय संसार को छोड़ते समय कैसा फील कर रहे हैं एंड्रयू कार्नेगी के वचन बहुत महत्वपूर्ण हैं उसने कहा मैं अत्यंत दुखी मौत मर रहा हूँ मेरा इरादा सौ अरब डॉलर की संपदा छोड़कर मरने का था लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं सिर्फ दस अरब डॉलर की संपदा छोड़कर संसार से जा रहा हूँ महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है और ये महत्वाकांक्षाएं जब मनुष्य के प्राणों में प्रवेश कर जाती है तो उसे सुख शांति और आनंद से जीने नहीं देती हैं सुख शांति आनंद की जगह जीवन में चिंता तनाव अशांति उपद्रव और महंतम दुख की तरंगे मनुष्य के भीतर पैदा कर देती है अगर तुम गौर से देखोगे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसा व्यक्ति खुशहाल नहीं रहा एंड्री कार्नेगी जैसा व्यक्ति खुशहाल नहीं रहा राक फेलर जैसा महान धनपति खुशहाल नहीं रहा इस दुनिया में सर्वाधिक धन इकट्ठा करने वाले लोग खुशहाल नहीं रहे इस दुनिया में बहुत बड़ी सत्ता और शक्ति को प्राप्त करने वाले लोग खुशहाल नहीं रहे अगर और अधिक गहरे में देखोगे तो पाओगे कि बड़ी बड़ी सफलताएं पाने वाले लोग भी अत्यंत दुख चिंता और तनाव की जिंदगी जीते रहे ऐसी स्थिति में तुम्हारे भीतर से महत्वाकांक्षी होने का पागलपन धीरे धीरे विसर्जित होने लगेगा और तुम सच्चे अर्थों में जिंदगी की असली समझ पाने के पात्र बनते जाओगे यद्यपि सारी दुनिया में बचपन से ही लोगों को यही सिखाया जाता है कि सफलता से बड़ी कोई चीज नहीं है और यहाँ तक कहा जाता है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस लेकिन इस पृथ्वी पर सारे सम्बुद्ध पुरुषों के जीवन का अनुभव अपने जीवन का सार आपसे कहना चाहता हूं नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सफलता का जीवन में आनंदित होने से सफलता का जीवन में संतुष्टि और तृप्ति को उपलब्ध होने से कोई संबंध नहीं है वास्तव में आनंदित होने के लिए वास्तव में सच्चे अर्थों में तृप्ति के अनुभव को उपलब्ध करने के लिए चेतना को रूपांतरित करने की आवश्यकता है अधिक से अधिक होशपूर्ण और अधिक से अधिक जागरूक होना जरूरी है चेतना मनुष्य के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण आयाम है जो व्यक्ति जितना ही अधिक होशपूर्ण, जितना ही अधिक जागा हुआ है उस व्यक्ति के जीवन में उतना ही अधिक तृप्ति उस व्यक्ति के जीवन में ही उतना अधिक आनंद और उस व्यक्ति के जीवन में उतना ही अधिक परम आनंद के प्रकट होने की संभावना है मैं तो कहता हूं पूरा पूरा जाग जाना ही परम आनंद को परम संपदा को और यहाँ तक कि परमात्मा को उपलब्ध हो जाना है और उसके लिए धन संपदा प्राप्त करने की सफलता ने अपनी चेतना को विकसित करने की चेतना को तीव्रता से गहराई से जागृत करने की आवश्यकता है जितना ही तीव्रता से आप होशपूर्ण और जागरूक होते जाएंगे उतना ही आपके जीवन से क्रोध ईर्ष्या उपद्रव तनाव और तरह तरह की वासनाएं गायब होती चली जाएंगी और जितना ही ये विकार आपके शरीर से गायब होते जाएंगे उतना ही आपको अधिक ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी वही ऊर्जा आपके जीवन में आनंद बनती है और यह ऊर्जा जितना ही अधिक संग्रहित हो जाएगी अगर पूरी पूरी ऊर्जा आपकी नष्ट होने से बचने लगेगी तब आप ऊर्जा के बहुत बड़े सरोवर बनते जाएंगे और ऊर्जा का सरोवर बन जाना ही परम आनंद को उपलब्ध हो हो जाना है बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत धन्यवाद